हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन विज्ञान अंश। टुडेज टॉपिक इज रिगार्डिंग द सॉइल प्रोफाइल। हम यहाँ सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल, अगर कोई पूछे तो। अगर हम जमीन को खोदते हुए जाएं नीचे तक, तो हमें क्या दिखती हैं, अलग अलग तरह की लेयर दिखती हैं। तो अलग अलग तरह की जो लेयर्स हैं, यही क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड द हॉरिजॉन्स। हम इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं तो सबसे ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ए, देखिए ओ, ओ का मतलब ऑर्गेनिक है, यहाँ तो ह्यूमस है। उसके बाद ए हॉरिजॉन है, फिर बी हॉरिजॉन है, फिर सी। ए को सरफेस हॉरिजॉन भी कहते हैं, बी को सबसॉइल हॉरिजॉन कहते हैं, और सी को सबस्ट्रेटम हॉरिजॉन कहते हैं, और जो आर है ये सबसे नीचे बेड रॉक रहता है। तो हम इन हॉरिजॉन्स की डेफिनेशन, सॉइल प्रोफाइल की डायग्राम, जब भी डायग्राम बनाने की बात आए तो यही आपकी डायग्राम है, तो यही आपकी सॉइल प्रोफाइल की डायग्राम है, ऐसे बनाएंगे। अब डेफिनेशन की बात करते हैं, कैसे करेंगे हम इसके बारे में। तो पहली डेफिनेशन आती है, व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल, ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू द डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। अगर हमने ऊर्ध्वाधर कार्ट तैयार की है, ऊपर से नीचे तक कार्ट तैयार की है, जिसमें हमने डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल दिखाई दे रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। सेकेंड, हॉरिजॉन किसको कहा, ईच लेयर ऑफ सॉइल दैट डिफर इन टेक्सचर कलर डेप्थ। अगर हम हर लेयर जो एक दूसरे से अलग दिखाई देगी, चाहे उसका टेक्सचर हो, चाहे रंग हो, चाहे गहराई हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन। ह्यूमस क्या है, जो सबसे ऊपर जिसको ऑर्गेनिक मैटर कहा, दैट इज ह्यूमस। द रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। रॉटिंग क्या होता है, सड़ना, डेड मतलब मरा हुआ, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक में क्या आया, लीव्स, पत्तियाँ, टहनियाँ, डंग, डेड एनिमल्स, ये सारे क्या हैं, जब सड़ जाते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, और जो मिट्टी की सबसे ऊपर की जो ब्लैकिश लेयर तैयार करते हैं, डार्क लेयर तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमस। और इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं जो एक सॉइल क्रॉप्स को प्रोवाइड करती है। तो इट मींस द ह्यूमस प्रोवाइड द फर्टिलिटी मटीरियल टू द सॉइल। तो लिखेंगे कैसे, अब द रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड द ह्यूमस। इट फॉर्म द अपर मोस्ट डार्क लेयर ऑफ सॉइल, इट मेक द सॉइल फर्टाइल। तो यहाँ से सॉइल को फर्टाइल करने का काम किसका है, ह्यूमस का रहता है। तो ह्यूमस अगर सबसे ज़्यादा है तो नेचुरली ऊपर क्रॉप क्या करेगी, बहुत ग्रो करेगी। अब हम बारी बारी करेंगे, पहले ए हॉरिजॉन की बात करते हैं कि ए हॉरिजॉन जिसको टॉप सॉइल कहा था, इसके अंदर मिलता क्या है। अगर आपको क्वेश्चन आता है डिफाइन सॉइल प्रोफाइल, तो आप इस तरह से करेंगे, द अपर मोस्ट डार्क लेयर ऑफ द सॉइल एनरिच द ह्यूमस एंड इट इज़। देखिए सबसे ऊपर की जो लेयर है टॉप सॉइल की, जो डार्क कलर होती है, ये इसमें ह्यूमस रहता है, तो ये पहली है। दूसरा, इट इज़ सॉफ्ट पोरस फर्टाइल, ये नरम रहती है, इसमें शेद होते हैं, ये उपजाऊ होती है। इट कंटेन मिनरल्स एंड कैन रिटेन मोर वाटर, ये मिनरल्स को इसके अंदर होते हैं, वाटर को रिटेन करते हैं। रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर प्रेजेंट इन, जितने छोटे पौधे हैं उनकी जड़ें आपको ए हॉरिजॉन में ही मिलेंगी, ध्यान रखिएगा। इट इज़ अ शेल्टर ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म, बहुत से ऑर्गेनिज्म यहीं इसके अंदर रहते हैं, उनका आश्रय स्थल है ये। जब हम दूसरे हॉरिजॉन की बात करते हैं तो मिडल जोन आया, इट इज़ अ मिडल लेयर दैट हैज लेस ह्यूमस बट मोर मिनरल्स। देखिए यहाँ लीचिंग हो जाती है, लीचिंग मीन्स बारिश के साथ ऊपर का जो ह्यूमस के मिनरल्स होते हैं वो नीचे बी हॉरिजॉन को शिफ्ट कर जाते हैं। अब ए हॉरिजॉन में तो वेजिटेशन है, सबसे ज़्यादा प्लांट्स है, वो उसको कंज्यूम कर लेंगे, राइट। तो बाकी मिनरल्स जो बी हॉरिजॉन में काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरा, जब भी हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो भी हमने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स की फॉर्म में मिट्टी में से, तो वो बी हॉरिजॉन से ही निकलती हैं। तो दिस इज़ अ मिडल लेयर दैट हैज़ लेस ह्यूमस बट मोर मिनरल्स, इट इज़ हार्डर एंड कम्पैक्ट देन द ए हॉरिजॉन। तो ए हॉरिजॉन से जो बी हॉरिजॉन है ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उसके बाद जो सी हॉरिजॉन है, देखिए ई हॉरिजॉन की हम बात नहीं करेंगे, ये लीचिंग का एरिया होता है, अभी सेवन्थ क्लास में है नहीं, तो सेवन्थ क्लास में ए बी एंड सी की बात की जाती है। तो सी हॉरिजॉन, दिस इज मेड अप स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक विद क्रैक्स एंड क्रेविसेस। यहाँ पे मिट्टी के बीच में क्या आ जाते हैं, कई तरह की चट्टानें पाई जाती हैं, तो जब चट्टानों की संख्या मिट्टी में बढ़नी शुरू हो जाती है तो वो कौन सा हॉरिजॉन आ गया, दैट इज़ अ सी हॉरिजॉन। और ये तीनों हॉरिजॉन सबसे नीचे जो क्या मिलती है, बेड रॉक मिलता है, इट इज़ अ बेसमेंट मेड अप ऑफ हार्ड रॉक्स। तो सबसे नीचे जो हार्ड रॉक का बेड है ये है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सॉइल प्रोफाइल, तो इस तरह से लिखना है। अगर आता है राइट अबाउट द ए हॉरिजॉन ऑफ योर टॉप सॉइल,
तो ऊपर वाली बात लिखनी है। यहाँ क्वेश्चन आता है व्हाट इज, ठीक है, प्रेजेंट इन द बी हॉरिजॉन, तो बी हॉरिजॉन में जो है वो आपके सामने है, राइट। या हॉरिजॉन्स ऑलवेज प्रेजेंट ऑन विच लेयर ऑफ द अर्थ, तो आंसर क्या आ जाएगा, दे आर प्रेजेंट ओवर द बेड रॉक। सो इस तरह से आप इसको कवर करेंगे। तो यही इतना सा टॉपिक था आज, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।